फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विजय। आज मैं अपने देश की जो संस्कृति, उसके बारे में 2 शब्द आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत की संस्कृति को हर एक दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, मान मिलता है। पर आजकल ये पैसे की हुई कमी के वजह से या कुछ चीज़ों ऐसे आगे पीछे होती है, जिससे जो भी अपना देश है के लोग हैं वो पैसे के पीछे इतने भाग दौड़ करने में लगे कि उन लोगों को जो नीति मूल्य, जो संस्कार है, कल्चर है, सब भूल गए। जातिवाद करना, झगड़ा करना, अपना खुद का देखना, ये सब चीज़ें अपने देश में बहुत हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि अगर अपने ये भारत देश को इतने बड़ी विरासत मिली, तो तुम आप लोग, आप हो या मैं हो या कोई भी हो, उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। क्योंकि हमेशा ये बोला जाता है कि इंसान के दुख की घड़ी में या फिर जो भी संकट की स्थिति में इंसान के प्रति या इंसान किस तरह से बर्ताव करता है, उसके ऊपर उसकी पहचान होती है। तो जो भी आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, लेटेस्ट चीज़ें हो रही है, नई टेक्निक्स आ रही है, उन लोगों का तुम लोग स्वीकार करो, पर उसके साथ जो भी अपने संस्कार है, जो भी संस्कृति है, उसका पालन करो, ताकि अपने दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान वैसी की वैसी बनी रहे। बाकी आप लोगों को सब कुछ मालूम है कि अपना देश किस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबी है, व्यभिचार है, इंसानियत कम हो रही है। तो इस हिसाब से हर एक हिंदुस्तानी को ये इस घड़ी में भी इकट्ठा होना है, जातिवाद नहीं करना है, एक दूसरे के साथ समानता का बर्ताव करना है, खुल मिल के रहना है। तो ये देश के दुश्मनों का या फिर जो सरहद के पार के दुश्मन है, उन लोगों का सामना हम लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।